बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, क्या हाल है गाइस? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और खुशहाल होंगे। मेरा नाम है कुनाल। मैं हूँ शिवानी। वेलकम गाइस हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है रिएक्शन वाला कपल। गाइस आज की वीडियो है मोहम्मद अमर हैदर चैनल से और वीडियो का नाम है जुनेद जमशेद लास्ट बयान बिफोर डेथ। तो सुनते हैं भाई सीधा ही। इंसान के अलावा इस कायनात की हर मखलूक अल्लाह के हुक्म में पूरी की पूरी जकड़ी हुई है। इंसान को ये थोड़ा सा इख्तियार दिया है, यूं तो इंसान भी पूरा का पूरा अल्लाह के हुक्म में जकड़ा हुआ है, ना ही अपनी मर्जी से आया, ना ही अपनी मर्जी से यहां रह रहा है, ना ही अपनी मर्जी से यहां से जाएगा। ये किसके घर पैदा होगा ये नहीं जानता, कौन इसके मां बाप होंगे ये नहीं जानता, कल को शादी के बाद अल्लाह इसको औलाद देगा कि नहीं देगा इसके बस की बात नहीं है, ये नहीं जानता, बीमारी से बच जाए इसके बस की बात नहीं है, बीमारी से बाहर निकल आए इसके बस की बात नहीं है, मौत से बच जाए इसके बस की बात नहीं है। तो यूं तो ये भी बिल्कुल अल्लाह के हुक्म में जकड़ा हुआ है, बस थोड़ा सा अल्लाह ने इसको ये इख्तियार दिया है, क्योंकि इसके साथ अल्लाह ने जन्नत और जहन्नम का मामला रखना है। इसके साथ अल्लाह ने जन्नत और जहन्नम का मामला रखना है, यही वो इख्तियार है मेरे अजीज दोस्तों, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने इंसान को बाकी तमाम मखलूक से अशरफ बनाया है और ये अशरफुल मखलूकात कहलाता है। सिर्फ एक ये वजह है, वरना तो देखो कितना कमजोर है, अपनी पैदाइश के वक्त इसको तो होश ही नहीं होता, इसके बरक्स मछली का बच्चा अंडे से निकलता है फौरन तैरना शुरू कर देता है, मुर्गी का बच्चा अंडे से निकलता है चलना शुरू कर देता है, बकरी का बच्चा थोड़ी देर में खड़ा हो जाता है, ये तो 6 साल तक होश में नहीं आता। जिस्म का एक हल्का सा दर्जे हरारत बढ़ जाए तो बीमार पड़ जाता है, जरा सा कम हो जाए तो बीमार पड़ जाता है, थोड़ी सर्दी ज्यादा हो जाए तो बीमार पड़ जाता है, थोड़ी गर्मी ज्यादा हो जाए तो तकलीफ में आ जाता है, ये तो बहुत कमजोर है। लेकिन अल्लाह ने ये जो इसको इख्तियार दिया है, ये इसके बाकी तमाम अल्लाह की मखलूक पर इसको मुनफरिद करती है। फिर अल्लाह ने फरमाया फअल्हमहा फुजूरहा व तक्वाहा, मेरे बंदे इस बात को जहन में रखना कि तेरे ऊपर हमने इस बात को इल्हाम किया है कि तू सही और गलत के फर्क को समझता है। ये नहीं कह सकते हम अल्लाह को हमें पता नहीं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो इंसान जानता है। झूठ हर माशरे में बुरा समझा जाता है, वो मुसलमानों का माशरा हो या गैर मुसलमों का माशरा हो, झूठ हर जगह बुरा समझा जाता है, बेईमानी हर जगह बुरी समझी जाती है, खयानत हर जगह बुरी समझी जाती है, जुल्म हर जगह बुरा समझा जाता है, कत्लोगारत हर जगह बुरा समझा जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से हर माशरे में सच पसंद किया जाता है, ईमानदारी का मोल है हर माशरे के अंदर, अमन अमान हर माशरे की चाहत और पसंद है, रहमदिली हर माशरे में पसंद की जाती है। तो अल्लाह फरमा रहे हैं फअल्हमहा फुजूरहा व तक्वाहा, तुझे इतना इल्म हमने दिया है, कल हमें नहीं कहना, इल्हाम किया है, और ये करने से पहले अल्लाह ने 7 कसमें खाई हैं मेरे दोस्तों। अल्लाह को तो कसम खाने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि अल्लाह अपने बंदे की फितरत को पहचानते हैं, कसम खाई है, 7 कसमें खाई हैं, जमाने की और वक्त की कसम खाई है, क्योंकि अल्लाह जानते हैं मेरा बंदा वक्त की इसके यहां कीमत है। हम नहीं कहते मेरे पास वक्त नहीं है,
अल्लाह जानते हैं कि वक्त की इसके हां कीमत है, तो कसम खाए वशम्से वदुहाहा वलकमरी इजा तलाहा वन्नहारी इजा जल्लाहा वल्लैली इजा यख्शाहा वस्समाई वमा बनाहा वल्अर्दि वमा तहाहा। 6 कसमें तो वक्त की खाएं कि मुझे सूरज के निकलने की कसम, और फिर चांद की तमाजत की कसम, और फिर दिन के उजाले की कसम, और फिर रात के छा जाने की कसम, और फिर उस रब की कसम अजीब के जिसने आसमान को बनाया और तख्लीक किया, और क्या ही बात है उस रब की, उसकी कसम के जिसने जमीन को बिछाया, और फिर 7वीं कसम आपकी खाई और कहा मेरे बंदे मुझे तेरी जान की कसम, और उस रब की कसम जिसने ये खूबसूरत इंसान बनाया है। फअल्हमहा फुजूरहा वतक्वा, जो इख्तियार तुझे दिया है वो किसी को नहीं दिया। लौ अंजलना हाज़ल कुरआन अला जबल على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله। जब हमने इस कुरान को पहाड़ पर उतारने की कोशिश की, कितनी मजबूत चीज है, ये इस पहाड़ को वो हवा नहीं हिला सकती जो आग को बुझा देती है, जो समंदर के पानियों को लेकर चलती है, वो आग भी वो हवा भी इसको अपनी जगह से नहीं हिला सकती, बड़े बड़े जलजले भी पहाड़ को नहीं तोड़ सकते। उस पहाड़ ने अल्लाह से कहा, या अल्लाह ये कुरान मेरे ऊपर नहीं उतारना, मैं तेरे हुक्म नहीं पूरा कर सकता, क्योंकि मैं तो तेरे हुक्म में जकड़ा हुआ हूं। इंसान ने कहा, ए अल्लाह हम पर उतार, हम तेरे हुक्मों को पूरा करेंगे। तो ये जिम्मेदारी लिए बैठे हैं मैं और आप। قد افلح من زكاها, अल्लाह फरमा रहे हैं मेरे बंदे अगर तूने अपने नफ्स को, अगर तूने अपनी ख्वाहिशात को मेरे हुक्मों के ताबे कर दिया तो तू कामयाब हो जाएगा। क्योंकि याद रख, नफ्स पर तू चलने के लिए नहीं है, नफ्स पर जानवर चल सकता है, क्योंकि जानवर को तो हमने कोई इख्तियार दिया ही नहीं, उस वो तो अच्छाई और बुराई को नहीं समझता। कुत्ते को कल अल्लाह पकड़कर जहन्नम में नहीं डालेगा कि तूने फला की टांग क्यों पकड़ी, वो कहेगा या अल्लाह तूने मुझे जिस फितरत पर पैदा किया मैंने पूरी जिंदगी उस फितरत पर गुजार दी, मैंने उसी फितरत पर जिंदगी गुजारी। सांप को अल्लाह जहन्नम में नहीं डालेगा कि तूने क्यों काटा फला को, वो कहेगा अल्लाह ये तो तूने बात मेरी फितरत में डाली थी, और मैं बिल्कुल पूरा का पूरा तेरे हुक्मों पर चला हूं। शेर कहेगा ए अल्लाह मैंने कभी घास नहीं खाई, मैंने कभी फल नहीं खाए, वो तूने इंसानों के लिए बनाए थे, मैंने कभी सब्जियों पर मुंह नहीं मारा क्योंकि वो मेरे लिए था ही नहीं, मेरी तो जो तूने फितरत बनाई मैं उसी फितरत पर चला। बकरी अल्लाह से, घोड़ा अल्लाह से, ऊंट अल्लाह से कहेगा या अल्लाह हमने कभी गोश्त को मुंह नहीं लगाया, जो तूने घास फूस हमारे लिए बनाई हमने वही खाई। ये मेरे और आपका मामला है मेरे दोस्तों, हम अपनी मर्जी पर नहीं चल सकते। ये वो बात है जो मैं आपको बताने आया हूं, क्योंकि आपका एक मकाम है, आप अशरफुल मखलूकात हैं, आप अपने नफ्स पर नहीं चल सकते। अगर नफ्स कह रहा है कि सोता रहे, फजर गुजरती है तो गुजरे, ये आप नहीं कर सकते। चलो एक सेकंड के लिए, सिर्फ समझाने के लिए, हम आखिरत की नहीं दुनिया की बात करते हैं, समझाने के लिए। जब आखिरत समझाने लगो तो फिर क्या, अगला कहता है अरे मौलाना यहां का बताइए, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, आखिरत तो जब आएगी तब आएगी, देखा जाएगा। अभी ये बताएं मैं दुनिया में खूबसूरत जिंदगी कैसे गुजारूं। कल कराची एयरपोर्ट पर जब मैं यहां आ रहा था तो एक भाई मेरे पास आके बैठ गए,
हम मस्जिद में नमाज पढ़ने लगे थे तो वो मेरे पास बैठ गए, मुझे कहने लगे मुझे बताएं मैं दुनिया में एक खूबसूरत जिंदगी कैसे गुजार सकता हूं। मैंने कहा मैं अगर आपको यूं बताऊं और अगर आप मेरी बात पर अमल कर लें तो आप यकीन करिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात उसकी ये मंशा हर वक्त की मंशा होगी कि आपकी जिंदगी एक खूबसूरत जिंदगी बन जाए। और जिसके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत तय फरमा लें कि इसकी जिंदगी खूबसूरत होगी, सारी की सारी कायनात मिलकर अगर उसकी जिंदगी को खराब करना चाहे, उसको परेशान करना चाहे तो नहीं कर सकती। और अगर अल्लाह ये फैसला फरमा लें कि नहीं ये नाफरमान है, इसकी जिंदगी में हम इसको हम खौफ और गम का लिबादा पहनाएंगे ही, 7 अरब इंसान अगर मिलकर आपकी जिंदगी को खूबसूरत बनाना चाहें तो नहीं बना सकते। इसको कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, ये है ला इलाहा। हाँ जी, एक तो इनकी डेथ से पहले का बयान है ये। तो इसमें ये बताया गया है कि देखो अल्लाह ने सबको बनाया है, बट इंसान को भी बनाया है और जानवरों को भी बनाया है। तो इंसान को सबसे ज़्यादा अक्लमंद क्यों बनाया गया है? इसलिए ही बनाया गया है कि इंसान खुद भी अपनी ज़िंदगी का मकसद इंसान को पता हो कि हमने कैसे जीना है और दूसरों से कैसे काम लेना है। अब जो दूसरे की फितरत है वो वही रहेगी, शेर की फितरत है वो शिकार करके मांस खाता है, वो शेर की फितरत है। बकरी घोड़ा ऊँट वो घास भूस खाती हैं तो वही हैं। और सांप की फितरत है वो डंक मारता है, कितना भी आप दूध पिला दो वो आपको डंक मारेगा ही मारेगा। हाँ, तो ये तो वो अपनी आदत से मजबूर है, जो उनकी फितरत है वो उसी पे चल रहे हैं। बिल्कुल। तो अल्लाह ने हमें जो पैदा किया है वो हमें आजमा रहा है अल्लाह कि हम वो चीज़ें करते नहीं करते जो चीज़ें कुरान में बोली गई हैं, 5 टाइम की नमाज, अब सुबह की नमाज पढ़ना, अपनी नींद को छोड़ना, उठना फिर नमाज पढ़ना, वो चीज़ थोड़ी डेवलप टेस्ट है ये एक तरह से आपका। बिल्कुल टेस्ट। जिस तरह से पेड़ पौधे और पहाड़ नदियाँ आसमान ये सब चीज़ें हो गई, तो वो भी बोला जुनेशम जमशेद जी ने कि वो सब अल्लाह के हुक्म में जकड़े हुए हैं। मतलब कि जिस तरह से अब इंसान है तो वो कुरान को अच्छे से समझ पा रहा है कि क्या उसमें सही है, क्या चीज़ हमें सही है और क्या चीज़ मतलब क्या हराम है क्या हलाल है। तो ये चीज़ इंसान की समझ में आती है, तो बाकी चीज़ें भी तो अल्लाह की बनाई हुई हैं, बाकी चीज़ें उनको क्यों समझ नहीं आ रही, उनको क्यों नहीं समझ में। बिल्कुल। तो इसलिए बताया कि ह्यूमन इसलिए बाकी चीज़ों से ऊपर है कि उसको सही और गलत की परख है कि क्या सही है और क्या गलत है। हम इंसान मतलब और जानवरों के ऊपर और चीज़ों के ऊपर उनको करवा सकते हैं उनसे चीज़ें या उनको अपने काम में ले सकते हैं। तो उस हिसाब से भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर हमारा माइंड इतना तेज है तो सबसे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है सबसे ज़्यादा। बिल्कुल। अल्लाह को पहचानने की है ना, कि अल्लाह ने ही कुरान आपने भिजवाई है, उनके द्वारा लिखी हुई है ये चीज़ें, तो आप उसको अपने जहन में उतारिए, अपने लाइफस्टाइल में डालिए। क्योंकि आपसे जो नीचे हैं वो सारी मखलूक हैं, आप सबसे ऊपर हैं, तो आप ही कर सकते हैं। औरों से अनएक्सपेक्टेड हैं ये चीज़ें, वो तो नहीं करेंगे ना, और वो बिल्कुल भी ऐसे। हमने बहुत पहले भी काफ़ी वीडियोज़ करी थी तो उसमें बताया था कि जो इंसान है वो सबसे ज़्यादा दिमाग उसको दिया हुआ है अल्लाह ने। और एक चीज़ और आप नोटिस करो, अगर इंसान इस धरती से ख़त्म हो जाए ना, ख़त्म हो जाए तो धरती कुछ नहीं होगा, ये धरती आबाद हो जाएगी उल्टा, क्योंकि हम इंसान ही हैं जिन्होंने धरती को बिगाड़ा हुआ है। और बाकी जो चीज़ें जैसे कहते हैं कि मधुमक्खियाँ या ख़त्म हो जाए ना, तो सब कुछ ही ख़त्म हो जाएगा, ये पूरा जो चक्र चल रहा है पूरा ही चल रहा है वो सब ख़त्म हो जाएगा। बाकी उसे पता नहीं क्या क्या होता है, वो फूलों से रस लेती हैं, फिर शहद बनता मतलब है, ये होता है, पूरा प्रोसेस है, कुछ ना कुछ सिस्टम बना हुआ है। हाँ। तो एक आधा सिस्टम भी अगर बंद हो जाता है तो भी धरती रुक सकती है, अगर हम इंसान
उन्होंने ने के बस में तो है नहीं धरती को चलाना, पृथ्वी को चलाना। हालांकि साइंटिस्ट ने कही हुई बात है, पता नहीं सच्ची है नहीं है पता नहीं, बट कहा तो यही गया कि इंसान खत्म हो गए तो धरती कुछ होगा नहीं, धरती उल्टा और वो होगी। हाँ, इंसान धरती से ले ही रहा है कुछ दे तो रहा नहीं उसको, जो सब नेचुरल हाँ। थिंग्स हैं वो सब अलग ही बनाई हुई हैं और हम उसका यूज़ कर रहे हैं। मतलब कि आप सीधा सीधा ये चीज़ बैठती है कि हम इंसानों के लिए वो चीज़ बनाई हुई है ताकि हम यूज़ कर सकें। अगर हम यहाँ से ख़त्म हो जाते हैं, हम यहाँ पर नहीं होते, तो उन चीज़ों को कौन यूज़ करेगा। बट इसका एक पॉइंट ये भी है कि अल्लाह ने हम इंसानों को इतना दिमाग दिया है कि अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों को हम यूज़ कर सकते हैं। हम पेट्रोल या ऑयल वॉयल यूज़ कर सकते हैं, हम अपने लिए खाना बना सकते हैं, उगा सकते हैं, खा सकते हैं, बहुत कुछ है जो नेचुरली हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो अगर हम ये सब कर रहे हैं तो हमारी ड्यूटी बनती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि खराब ना करें आसमान, आसपास का एनवायरनमेंट खराब ना करें, जितना यूज़ हो उतना ही करें। आजकल तो कोयला यूज़ कर करके इतना बुरा हाल कर दिया कि अब शहरों के अंदर आप ऊपर देखो आपको ब्लू कलर का स्काई नहीं दिखाई देता, आपको ग्रे कलर का स्काई दिखाई देगा। पोल्यूशन इतना पोल्यूशन कर दिया। तो इंसान को सीखना चाहिए कि जितना प्रकृति से मिले उतना लें, हद से ज़्यादा अगर किसी चीज़ की तरफ जाओगे ना, अति करोगे ना, तो वो चीज़ ख़राब है। अगर आप ज़्यादा खाओगे ना तो वो भी आपकी सेहत के लिए ख़राब हो। हर हमेशा ज़्यादा चीज़ ना खराब करती है, किसी भी चीज़ में अगर आप ज़्यादा करोगे ना, अति करोगे, तो वो ख़राब करेगा। और अकॉर्डिंग टू जुनैद जमशेद जी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद इंसानों ने ही ली है कुरान को समझने की। ये चीज़ हम लोगों ने खुद ने ही ली है कि हम लोग इस चीज़ को अपनाएंगे और फैलाएंगे। ठीक है, जिस तरह से कुरान की बातें हैं तो वो हमें ही बताएं और बाकी सबको हमें ही बताना है। जिस तरह से अब हम ये चीज़ सब मौलाना और मुफ्ती की भी वीडियोस देखते हैं उससे रिलेटेड। तो ये था, तो चलते हैं गाइस। मोहम्मद अमर हैदर से थी ये वीडियो। आप प्लीज इनके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इनका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में होगा और साथ ही हमारे चैनल को भी कर सकते हैं आप सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।